सो एवरीवन, मैं हो गया हूँ रेडी। स्नान वगैरह हो गया है और मैं अभी हूँ छत पर। सिवनी का रेलवे स्टेशन बन रहा है तो वहाँ का काम दिखाएंगे हम आपको। वहाँ चलते हैं क्योंकि बहुत जल्द ट्रेन चालू होने वाली है। आपको आवाज़ भी सुनाई पड़ती होगी, ये मालगाड़ी की है जो गिट्टी डालती है। सो काम चल रहा है, वही काम मैं आपको दिखाऊंगा आज किस तरीके का है। और ज़्यादा नहीं, लगभग एक आध महीने, एक डेढ़ महीने, दो महीने में ट्रेन यहाँ पर आ जाएगी। आने वाली बंद हो गई, फिर उसके बाद उसका काम चलते रहा बड़ी पटली का, तो बहुत समय लग गया, बहुत लेट हुआ कहने का मतलब हमारे शहर में काम। बस वाले बहुत ज़्यादा किराया लेते हैं, ट्रेन में ऐसा है कि कम में काम हो जाता है। सो मैं आपको वही दिखाऊंगा, स्टेशन चलेंगे, वहाँ से मैं आपको पूरा दिखाऊंगा लाइव किस तरीके का काम चल रहा है। मैं रेलवे स्टेशन की साइड जाते हुए आ गया है। सो चलिए पटली का काम भी दिखाता हूँ मैं आगे चलकर आपको, कि यहाँ पर भी काम चल रहा है। नल जो लगे हुए होते हैं उसका काम चल रहा है यहाँ पर। ये जो गेट बने हुए हैं नागपुर रोड के हैं, तो इससे लगा ही लगा हमारा रेलवे स्टेशन है सिवनी का। सो ये देखिए काम चल रहा है, पटलियों का काम पूरा हो गया है, बिछ गई हैं पूरी पटलियाँ। और ट्रेन जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से ये पटली में गिट्टी बिछ रही है। और ये पूरे घुमाव जो हैं, पूरे घुमाव भी बने हुए हैं। ये देखिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द यहाँ ट्रेन आ जाएगी सिवनी में, क्योंकि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। पूरे जो डिब्बे हैं ये गिट्टी डालते हुए आगे बढ़ते हैं। लेन की जो पटली होती है उसमें पूरी गिट्टी ऊपर भरी हुई है। अभी आगे की साइड में छिंदवाड़ा रोड में थोड़ा काम रह गया है, तो उस साइड जा रही है। ये रेलवे स्टेशन का काम दिखाता हूँ आगे चलकर। रेलवे स्टेशन का जो काम है अभी वो थोड़ा रह गया है। देखिए यहाँ पर तीन पटलियाँ इस साइड है और एक इस साइड में है। ये मशीन है, इसका काम जो है पंपिंग का है, गिट्टी को पंप करती है नीचे की साइड, ये पूरा पंपिंग का काम करती है। तो इस तरीके से है दोस्तों, अभी स्टेशन का काम रह गया है, बहुत जल्द आ जाएगी ट्रेन हमारी सिवनी में भी। दिल्ली गया था उसके बाद से मैं ट्रेन में नहीं बैठा हूँ। सो चलिए अभी मेरे को निकलना है खैरी टेक, वहाँ से एक पिछले बार हम मुर्रा और पोहा जो लेकर गए थे उस गाड़ी में हमें जाना है, पोहा और मुर्रा लेकर मार्केट में। तो अभी चलते हैं वहीं पर, क्योंकि मैंने सोचा यहीं की यहीं आपको ये सब दिखा दूं। और मैं इन क्वार्टरों की बात कर रहा था जो पीछे दिख रहे हैं, ये क्वार्टर बने हुए हैं जो ऑफिसर रहेंगे टीसी वगैरह उन लोगों के लिए। भाई लोग, मैं हूं अभी मार्केट में और मार्केट का हाल कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। हम कानीवाड़ा साइड आए हैं तो यहाँ पर उतना खास सेलिंग नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पहले से बहुत ज़्यादा माल रखा हुआ है। तो अभी बेच रहे हैं, अभी एक दुकान में गए हैं जो साथ में आए हैं भैया। सो ये देखिए ये रखा हुआ है पूरा जैसे कि वैसे ही माल। तो भाई लोग, मुझे जा रहा है आदर्श रूम छोड़ने के लिए, आज आदर्श छोड़ दे रहा है टू व्हीलर से, कल से साइकिल में आऊँगा। तो ये देखिए आदर्श भाई गाड़ी चला रहे हैं अभी।
समझ गया हूँ और आदर्श ने मुझे छोड़ दिया था। तो भाई आदर्श भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। भूख बहुत जोर की लगी हुई है क्योंकि दिन भर से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ 2 डोनट खाया हूँ जिससे मैं जिंदा हूँ आज। सो अभी खाना खाता हूँ, दीदी ने खाना बना लिए हैं, हमारा खाना हो गया है और अब आ रही है नींद। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर।